अगर हमारे किसान उनके साथ ज्यादती कर रहे हों या कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, अभी तो बैठे थे, अभी तो काले झंडे दिखाना था, मैं हमें क्या करना था। आने जाने वाले को से लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। हम फोर्स जितना मारे हमें जितना है, हमें किसी को हाथ नहीं उठाना, ख्याल रखना इस बात का। संयुक्त मोर्चे की तरफ से कॉल आई है, अभी मेरे साथ बात हुई है, अभी वहाँ पर मीटिंग, संयुक्त मोर्चे में मीटिंग चल रही है और वहाँ से मेरे को बाहर निकल के कॉल करी है। अभी हरियाणा ऐसे ही बंद रहेगा जब तक हमारे किसान साथियों को छोड़ा जाए, ऐसे ही बंद रहेगा। हमारे किसानों को चोटे मार के गए हैं और अगर हमारे किसान उनके साथ ज्यादती कर रहे हों या कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, अभी तो बैठे थे, अभी तो काले झंडे दिखाना था, हमें क्या करना था, हमें कहीं ऐसा। उन्होंने तो हमारे बैठे किसान ने पराठे चार्ज किया, सिर फाड़ दिए, टांगे तोड़ दी और कुंभा में जा रहे हैं हमारे चार किसान। खट्टर ने चुनाव करना था, अपना कोई प्रोग्राम था, प्रोग्राम करना चाहता था, प्रोग्राम करो, हमने कोई दिक्कत नहीं। पर जब हमने ये कह रखा, हमने जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार कर रखा है, भाई आप चंडीगढ़ और दिल्ली रहिए, उसके बावजूद भी बार बार हिदायत देने के बाद भी वो बंदा, मतलब खट्टर ने करनाल में जो उसका गृह क्षेत्र है वहाँ आया और जो हमारे किसान बिल्कुल काला झंडा दे के दिखा गया, उसका मतलब बहिष्कार करना चाहते थे, उन पर लाठी चार्ज किया। और जब तक लाठी चार्ज किया, इस तरह लाठी चार्ज किया गया कि जानवरों के ऊपर भी लाठी चार्ज नहीं होता, तो हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपकी जो जुल्म की जो हद थी वो पार हो चुकी है। और जो UNRHM 352 है ये तब तक बंद रहेगा जब तक संयुक्त मोर्चा कोई आह्वान नहीं आता।